नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष सेन स्वागत करता हूं आपके आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक्सप्लोरिंग अजमेर पर। दोस्तों, पिछले कई दिनों से गर्मी का हाल है बहुत ही बेहाल। राजस्थान के कई इलाकों में भीषण गर्मी देखने को मिली है, लू तपन जैसे कई लोगों को बीमार कर चुकी है। हम देख रहे हैं कि आसपास का वातावरण बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, पॉल्यूशन से भरा हुआ है। इसी बीच पेड़ पौधों की कमी भारी देखने को मिली है, जिससे जड़त्व में काफी कमी आई है, पेड़ पौधों की मिट्टी के कटाव में काफी कमी आई है। प्रकृति का यह अनबैलेंस क्यों है? तो आइए, कुछ शहरों ने जो है योगदान दिया है प्रकृति में, जिसमें हमारा अजमेर भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। राजस्थान के कई शहर है जिन्होंने प्रकृति को योगदान दिया है, प्रकृति के लिए आगे बढ़कर आए हैं, पेड़ लगाए हैं, क्लीन किया है, सब कुछ किया है, जिससे प्रकृति वापस बैलेंस होकर। ये देख रहे हैं हम कि इतना क्यों हो पा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो पा रहा है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही पेड़ों की कमी। परंतु हमारे अजमेर हमेशा से इस चीज में आगे रहा है, अजमेर ने हमेशा से अजमेर के लोगों को आगे बढ़ चढ़कर साथ दिया है। अजमेर के सारे लोग मिलकर सारी संभावनाओं से लड़े हैं, सारी मुसीबतों से लड़े हैं। तो इस बार की गर्मी को तोड़ने के लिए देख रहे हैं कि हमारे अजमेर कितने लोग जागरूक हैं, अजमेर के लोगों ने कितना योगदान दिया है इस गर्मी को भगाने के लिए, इस गर्मी से राहत पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं, एक बार जानते हैं हम एक नर्सरी में हैं और जानते हैं एक बार ऑडियंस से। सर, आपका पहले आप नाम बताइए, आपका नाम क्या है? तुषार गहलोत। अच्छा सर, यह नर्सरी कहाँ पर, एक बार आप बताएंगे? ये अपने लोहागढ़ में पंचशील के अंदर है, स्टार क्वीन मैरिज गार्डन के पास में, गुलाब नर्सरी। ठीक है सर, आपको बताएं हमारे अजमेर में अभी क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर की एक बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है, इसमें आप बताएंगे सर कि जो पेड़ पौधे हैं वो किस तरीके से प्रकृति का साथ देते हैं, क्या जरूरी है, और कौन से ऐसे पौधे हैं जो हर घर में नीड है लगाना, ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी जरूरी है, ऑक्सीजन एयर प्योरिफिकेशन के लिए जरूरी है। तो आप कुछ बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि पेड़ पौधे कौन कौन से ऐसे हैं जो हर घर में जरूरी होते हैं? बेसिकली जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन प्योरीफाइंग करते हैं, एक तो स्नेक प्लांट होता है, एरिका पाम होता है, एग्लोनीमास की वैरायटी होती है जो अपन इंडोर लगा सकते हैं, जो ऑक्सीजन प्योरीफाइंग करता है और जो बेसिकली इजीली मेंटेन हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, टिम्बर प्लांट्स अभी काफ़ी क्रेज में हो रहा है, छायादार प्लांट जो होते हैं, जैसे अभी अपने अजमेर में बहुत कमी है पेड़ों की देखा जाए तो। अगर जिस स्ट्रीट पे जहाँ पे पेड़ दिखेंगे आपको, वहाँ पे टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, और जहाँ अभी जैसे खुला एरिया है काफ़ी जगह, अपने लोहागढ़ रोड है, अपना जैसे पोर्श अपने इलाके जिसको मानते हैं वैशाली नगर, वहाँ पे भी काफी कम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उधर काफी जरूरत है, और काफी लोग इस साल जैसे जिस हिसाब से गर्मी पड़ी है तो अब लोगों के अंदर वो जागी है ये प्लांट्स लगाने का। अच्छा, तो अभी तक कितने लोग बाग ऐसे आ चुके हैं आपके पास कि नहीं हमने 100-500 ऐसे पेड़ लगा चुके हैं, या फिर अभी इतनी गर्मी पड़ी है, अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, तो ऐसा कौन से पेड़ पौधे हैं जो लगाने भी चाहिए और लोग बाग आपके पास आए, आप कुछ बताएं इस बारे में? ऐसी है कि मतलब अभी काफ़ी एनजीओज भी बनी है नई नई, और काफ़ी जैसे हमारे एनजीओज आती है, स्कूल्स आती है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी काफ़ी इसमें पार्ट ले रही है, और जो अपनी स्कूल्स जैसे प्राइवेट है वो भी काफ़ी इस बार उन्होंने इंगेजमेंट हुआ है, बच्चों का भी हुआ है, मतलब ओवरऑल अजमेर आगे बढ़ रहा है प्लांट्स को लेकर, है ना, जागरूक हैं लोग। हाँ, जागरूक काफ़ी हो रहे हैं और इंस्पायर भी हो रहे हैं एक दूसरे को देख के। और प्लांट्स जैसे कि अपने बेसिक नीम हो, करंज हो, और पीपल हो, बरगद हो, जो पेड़ लॉन्ग लाइफ भी चलते हैं, जो कोई नुकसान नहीं करते हैं। और करंज का प्लांट है, अगर जिनको ऐसा प्रॉब्लम है कि गाय बकरी ना खाए, जो ज़्यादा एक्सपेंस में कम एक्सपेंस में काम करना चाहते हैं तो करंज लगा सकते हैं, एलिस्टोनिया लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो बेसिक प्लांट्स हैं अपने, नीम, पीपल, बरगद, अशोक, ये सब तो है ही। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आपका अपना क्या राय है कि अजमेर को ग्रीन अजमेर क्लीन अजमेर करने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब कुछ ऐसा टारगेट, कुछ ऐसा मिशन कि ऐसा इस तरीके से हम लोग अजमेर को बेस्ट स्मार्ट सिटी का अपन दर्जा दे सकते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? देखो, हमारा योगदान यह है कि हम किसी को भी प्लांट देते हैं तो उसको पूरी जानकारी के साथ देते हैं, कि जो उसके साथ में वो चलेगा प्लांट तो उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि हाँ, उनको इंटरेस्ट जगेगा कि कोई सा भी छायादार प्लांट लगाएं भले, या कोई सा भी इंडोर प्लांट लगाएं, हमारा यही कोशिश रहती है तो उनको प्रॉपरली समझाएं कि किधर लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे केयर करनी है, तो जिससे उनका इंगेजमेंट बढ़े। अगर प्लांट ही नहीं चलेगा तो वैसे उनका वो दिल टूट जाएगा कि नहीं क्या मेहनत करें, तो बस यही है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी हमें एडवाइस दी, और हमारे दर्शकों को भी पता चल चुका है कि प्लांट्स कितने जरूरी है अजमेर में नहीं और ओवर वर्ल्ड में, क्योंकि प्लांट्स के तौर पे ही हमारी प्रकृति चलती है और हमारी प्रकृति का बैलेंस रहता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और सर, आइए जानते हैं इनसे क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर के बारे में, इनकी क्या राय है। सर पहले तो आपका नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश रावत है। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं खोड़ा गणेश भूबानी के पास रहता हूँ, अजमेर लोकल। सर हमारे अजमेर में एक मुहिम छिड़ी हुई है क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर, तो आप उसे आप इसके बारे में कुछ बताएंगे थोड़ा?
देखिए सर, जैसे कि आप बता रहे क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर, उसमें आपने अभी जैसे हमने देखा था कि अपनी इसको लेकर अपनी राजस्थान सरकार भी बहुत अग्रणी काम कर रही है, इसमें एक पेड़ माँ के नाम एक अभियान चलाया उसको लेकर। देखिए अपने अजमेर वासी नहीं संपूर्ण राजस्थान में ये बहुत ही बड़ी मुहिम चल रही है, जिसमें कि एक क्लीननेस को लेकर और ग्रीननेस को लेकर चल रही है कि क्लीन अजमेर और ग्रीन अजमेर में ये है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए। इससे ये फायदा मिलेगा कि अपने पर्यावरण एक तो शुद्ध होगा, उससे अलावा उसके अलावा जो मौसम में जो जो परिवर्तन आपने अभी थोड़े दिनों में देखे हैं, तो जैसे कि जितना क्लीन रहेगा जितना ग्रीन रहेगा तो मौसम में भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसके लिए सारे अजमेर वासी अग्रसर हैं और हम भी सभी से अपील करना यही चाहते हैं, हम भी पौधे लेना है आज यहाँ पे कि ग्रीन अजमेर में हम जितना हो सके उतना सहयोग करें। और सभी से लोगों को हम यही इस आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाएं और अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखें। बिल्कुल सर। सर ये बताइए, आप आपके द्वारा हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि घर में कौन कौन से ऐसे पौधे जो नीड होने ही चाहिए। आप जानते हैं कि पौधे ऑक्सीजन प्लांट भी करते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कोई आपके पौधे जो आपके फेवरेट हो कि नहीं है, ये ऑक्सीजन प्लांट का बहुत अच्छा बेहतरीन स्रोत है, तो आपके ना उनमें कुछ पता हो पौधों के बारे में। देखिए सर, पौधे तो बहुत से होते हैं, सबका अलग अलग एक शौक होता है, लेकिन पर्टिकुलर जैसे नीम का पौधा हो गया या बर्ड हो गया, ऐसे बहुत से ऐसे पौधे हैं जो अपने वातावरण के लिए भी अच्छे हैं, छाया के लिए भी अच्छे हैं और ऑक्सीजन के लिए अच्छे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि पौधे जो आप कोई सा भी लगाएं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लगाएं बस, क्योंकि पौधा कोई भी हो वो मानव जीवन के लिए और इस प्रकृति के लिए बहुत ही उपयोगी है। मतलब हर घर में कम से कम 5 पौधे स्टार्ट कर दो लगाना, हर साल के 5 पेड़ लगाओ ऐसा। जी सर, 5 पेड़ लगाएंगे तो ये सर जैसे आप सोच रहे हो, प्रत्येक व्यक्ति अगर सोच रहेगा कि मुझे 5 पेड़ लगाना है, तो आप देखिए एक मूल अमूल चूक परिवर्तन दिखेगा आपको इस ग्रीननेस में। बिल्कुल, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम देख पा रहे हैं ये बहुत कम हो जाएगी। जी सर, आपने जैसे इस बार देखा था कि 48 तक टेम्परेचर चला गया और लोगों का निकलना दुश्वार हो गया, लोग घर से बाहर नहीं आ सकते थे, कितने भयंकर लोग गर्मी में मर गए, वो सब सर जो भी चीजें ये प्रकृति में अपन जो ग्रीननेस कम है उसकी वजह से है। लेकिन अब देखिए, अगर आप पौधों जैसे आप यहाँ आज नर्सरी में घूम रहे हैं, आप यहाँ का वातावरण देखिए, आप यहाँ के 1 किलोमीटर का देखिए, यहाँ घूमेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा ठंडक महसूस होगी। तो सर वो ये मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा हमारे सबसे कि ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाए और आप इस प्रकृति में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े आपने बहुत। मैं राजा डी थारवानी, वाइस प्रेसिडेंट सदगुरु ग्रुप इंडिया एंड चेयरमैन थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन। अजमेर के इस अभियान क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर के सफल आयोजन के लिए अजमेर की संपूर्ण जनता से और कायको अजमेर की संपूर्ण जनता से पूरे हिंदुस्तान से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम अपने घर को हमेशा क्लीन और ग्रीन रखते हैं, उसी तरीके से अपने मोहल्ले को, अपने स्ट्रीट को, अपनी कॉलोनी को, अपने एरिया को और शहर को हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ये उस सहयोग देना चाहिए समाज को। नंबर 2, ग्रीन अजमेर के लिए पिछले 11 वर्षों से सदगुरु ग्रुप के तहत मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, बीइंग वाइस प्रेसिडेंट मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको हर साल 5001 पौधे अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों में हम वर्षा ऋतु में लगवाते हैं। हमारे इस सदगुरु फाउंडेशन में सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल हो गया, सदगुरु आर्किड हो गया, ब्राविया होटल्स हो गए, सभी के सहयोग से हम उनके सभी क्षेत्रों में, अजमेर के सभी क्षेत्रों में हम पेड़ लगाते हैं और अक्सर हमें कलेक्टर सर, कमिश्नर, ADA, निगम सब लोग सहयोग करते हैं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमें हर जगह सहयोग करते हुए चलते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अजमेर में नेहरू गार्डन है, विगत हम 7-8 वर्षों से उसको मेंटेन और ब्यूटीफाई कर रहे हैं। थारवानी एंड गुरनानी फाउंडेशन पंचशील के जितने भी गार्डन अच्छे वाले हैं उनको मेंटेन किया हुआ है हमने, स्कूल के चारों तरफ हमने ग्रीनरी कर रखी है। तो मेरा निवेदन तो ये है कि अजमेर को साफ रखें, स्वच्छ रखें, इससे आप और आपका परिवार सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। एक और निवेदन था जो कल आपने पूरे शहर में देखा होगा कि हम प्लास्टिक थैलियों को, बैग्स को, पॉली बैग्स को ना कहें। प्लीज प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं? आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा बैंक बैलेंस देते हैं, गोल्ड देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन अच्छा एनवायरनमेंट देके जाइए, अच्छा वातावरण देके जाइए, अच्छा मौसम देके जाइए। कोविड के बाद हमने सीखा है कि प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ ठीक नहीं है, तो
तो जूट के बैग्स लीजिए, दूसरे बैग्स अपने घर से ही पेपर बैग लेके जाइए। पेपर बैग भी क्यों यूज करें, एक्चुअली क्लॉथ बैग होते हैं वो लेके जाइए। पुराने जमाने में खुद जब बच्चा था लेके जाता था, तो प्लीज इस अभियान को हर जगह अपने बच्चों के साथ जुड़ जाए। क्लीन अजमेर ग्रीन अजमेर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना हमारे चैनल के माध्यम से कि अजमेर के लोग नहीं, काफ़ी लोग हैं जो हमारे नेचर से प्यार करते हैं और इसको और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए जो लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, हमारी मुहिम के साथ, ग्रीन अजमेर क्लीन अजमेर के साथ। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, एक बहुत अच्छा थॉट है कि हम अपने आने वाले कल को क्या देना चाहेंगे। पैसा, संपत्ति, गाड़ी, बंगला? नहीं दोस्तों, हमें ज़रूरत है हमें हमारे आने वाले कल के लिए एक बेहतरीन कल, जो इन पेड़ पौधों के माध्यम से, जो इस प्रकृति के माध्यम से। तो मेरा यही कहना रहेगा आप सभी से कि आप आपके ओकेज़न पे, आपके बर्थडे पर, कोई भी अच्छे ओकेज़न पर, फेस्टिवल पर, आप आपके घर में कम से कम जिस दिन है उस दिन आप पेड़ ज़रूर लगाइए। आपके आसपास भी पेड़ के लिए अवेयर कीजिए और प्रकृति को स्वस्थ और बेहतरीन बनाने का हमेशा प्रयत्न कीजिए, क्योंकि सर जैसा हम प्रकृति को देंगे, प्रकृति भी हमें बिल्कुल वैसा ही देगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पेड़ लगाते रहिए।